आप भी फैंटेसी में पैसे कमाने आए थे और यहाँ पे आके अपन लॉस हो रहा था। मैं बस आपसे एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं अपनी इस वीडियो को आपको जीजीआई वर्सेस एएमआर के एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस बताऊंगा, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके दे सकता है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रखी है, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक का पूरा देखना है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग जाए तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वीडियो बनाने से पहले तीन तीन चार चार घंटे का एनालिसिस करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर्वर देखने को मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम सर्वर लिंक आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। बात करें सबसे पहले कौन सी टीम है जीत सकती है, यकीन मानो अगर आपका ये प्रेडिक्शन सही होगा तो 70% कॉन्फिडेंस आप ऐसे ही वन कर सकते हो। जीजीआई की टीम ने आखिरी की जो अपने 5 मैचेस खेले हैं ना, एक ही मैच जीत करके आ रही है, बाकी के बच्चे वो चारों ही मैचेस हार करके आ रही है। एएमआर की टीम ने आखिरी के जो अपने 5 मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीत करके आ रही है, सिर्फ एक मैच अपना हार करके आ रही है। साफ साफ नजर आ रहा है कि एएमआर की टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, तो एएमआर के प्लेयर्स को हम ज़्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात कर लूँ इस मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में, जो कि जीएल यानी कि ग्रैंड लीग के यूजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये जो मैच होने वाला ये होगा आपको ओमान के मैदान के ऊपर, ओमान के कहाँ पे, एल एमरत क्रिकेट ग्राउंड के मैदान के ऊपर। यहाँ पे आपको आखिरी के 5 मैचेस पे, आखिरी के 5 मैचेस में 94 रन के करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है, यानी कि 10 ओवर के मैच में 94 रन एवरेज स्कोर, यानी कि रन जो है यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे बॉलर्स को ईजिली मदद मिल रहा है, दोनों ही टीम का मिला करके मुझे लगता है कि 12 विकेट मिनिमम गिरेंगे ही गिरेंगे, और अगर 12 विकेट गिरेंगे दोनों टीम का मिला करके तो बॉलर्स आपके लिए ज़रूरी प्लेयर रहेंगे। जैसे कि आपने देखा आखिरी मैच में मैंने अपनी टीम में 6-6 बॉलर्स को लिया हुआ था और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है हमारी टीम। बात करें एक एक प्लेयर का एनालिसिस पर, देखो बल्ले विकेट कीपिंग सेक्शन आपके लिए कोई मतलब कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं है, सिर्फ एक अच्छा प्लेयर जिसका नाम प्रतीक यहाँ से अथवाले, जो कि बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी प्लस आपको एज अ विकेट कीपर खेल रहा है, यानी कि कैचेस पकड़ के भी दे सकता है और रन्स बना करके भी दे सकता है। तो फिलहाल तो मैं इसी को लेकर के चलूंगा, बाकी यहाँ पे आपको अपनी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग किस भी टीम में रोटेशन करने को नहीं कहूँगा, चाहे वो आप अपनी एक टीम बना रहे हो स्मॉल लीग के लिए या फिर 10 टीम बना रहे हो मिनी जीएल मेगा जीएल के लिए। रोटेशन कहाँ करना है उसके आगे बात करेंगे। देखो बल्लेबाज जो ऑप्शन है, नंबर 1 प्लेयर पी कनन, जो कि जीजीआई की टीम को से अपनी टीम के लिए कप्तानी भी कर रहा है, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करेगा, प्लस आपको बल्लेबाजी में भी 3rd-4th नंबर पे नजर आ जाएगा। लेकिन आखिरी मैच में जो है इसको खिलाया ही नहीं गया, यानी कि आखिरी मैच में प्लेइंग 11 में था ही नहीं। तो अगर ये खेल रहा है, अगर ये खेल रहा होगा टॉस होने का, तो आपको मालूम चल जाएगा, हमें भी मालूम चल जाएगा, टॉस होने का मालूम चले कि खेल रहा है, तो बिना कुछ सोचे अपनी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सभी टीमों में लेकर के चलना है। देख सकते हैं यहाँ पे 120, 76, 30 तीन मैचेस के ना, यहाँ पे एक मैच में फ्लॉप गया बच्चे हुए, तीनों ही मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आया हुआ है। तो अगर ये प्लेइंग 11 में रहेगा तो बिना कुछ सोचे आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सभी टीमों में लेकर के चलना है, और आप एज अ वीसी भी लेकर के चल सकते हो, यानी कि एज अ वाइस कैप्टन। उसके बाद ऐसा एस नारायण, जिसने आखिरी मैच से 2 ओवर बॉलिंग भी पूरा किया, 2 ओवर बॉलिंग करके इसको 2-2 विकेट भी मिल गए। इससे पहले किसी भी मैच में इसने बॉलिंग नहीं कर रखा था, लेकिन आखिरी मैच में इसने बॉलिंग किया और अब जो है बल्लेबाजी भी करेगा, बल्लेबाजी में भी ओपनिंग करेगा, प्लस बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके दे रहा है आखिरी मैच के हिसाब से। करण सोनावाले शुरू के हर मैच से 2-2 ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा था, लेकिन आखिरी के मैचेस में इसने बॉलिंग से 1 ओवर भी बॉलिंग नहीं कर रखा है। अब जो है ये बल्लेबाजी में 3rd पे आ रहा है, प्लस इस समय एएमआर की टीम को से कप्तानी भी कर रहा है, यानी कि अपनी कैप्टेंसी के अंदर सभी लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। करण सोनावाले आखिरी मैच फ्लॉप भी हुआ तो जरूरी प्लेयर रहेगा। अब मान लो कि अगर यहाँ से ना खेल रहा हो पी खनन, तो आप लेकर के चल सकते हो यसीर अली को, जिसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, आखिरी मैच फ्लॉप भी हुआ है, उससे पहले कि दोनों ही मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आया, उससे पहले भी फ्लॉप, उससे पहले भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। तो मान लो अगर पी खनन ना खेल रहा हो तो मैं पी खनन को निकाल करके यसीर अली को ले लूँगा, ये एक चेंज मेरे में हो सकता है जिसकी पूरी संभावना है। तो टॉस होने का दिया चीज़ आपको मालूम चल जाएगा। बात करें और रोनी का ऑप्शन है, तो नंबर 1 प्लेयर एम रफीउल्लाह, एक नहीं 2-2 मैचेस के अंदर हमें कुबेरा की डीओ पिक में विनिंग कराया हुआ है। अब ये कुबेरा का डीओ पिक है क्या,
वहाँ पे 5 प्ले दिए होते हैं, उनमें से किसी एक प्ले को चूज करके सेम नॉर्मल फैंटेसी की तरह एक प्लेयर के ऊपर अपने पूरे पैसे लगाने होते हैं। वहाँ पे हमने अभी एम रफीउल्लाह को लिया हुआ था दो दो मैचेस में, दोनों मैचेस में हमें जिताया हुआ है। रफीउल्लाह जो कि बल्लेबाज में भी 6-7 नंबर पे नजर आ जाएगा, प्लस बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करेगा, रन्स भी बना करके दे सकता है। जे रामानंदी बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करेगा, प्लस आपको बल्लेबाजी में भी 7 नंबर पे करीब नजर आ जाएगा, यानी कि दोनों ही वो प्लेयर्स हैं जो कि रन्स थोड़े से कम बना के देंगे। बल्लेबाजी थोड़ा नीचे आ रही है, लेकिन हाँ दोनों ही बॉलिंग से 2-2 ओवर पूरा करेंगे और AMR की टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर्स में से आपको एक देखने को मिलने वाला है। आगे के प्लेयर्स की बात करूंगा उससे, आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम सर को ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो इसी तरीके से पूरे 11 प्लेयर पूरे KVC सभी चीज़ों के साथ अपनी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम सर को सबसे पहले फ्री में शेयर कर दूंगा, तो ज्वाइन होना बिल्कुल नहीं भूलना। टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, तो इसी तरीके से अपनी फाइनल टीम टेलीग्राम सर को फ्री में शेयर करूंगा, तो फ्री की चीज़ को मिस मत करना। टेलीग्राम सर का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अक्सर सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने मिल जाएगा। देखो आप सीधे सीधे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना, सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ भी ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में जाना। सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा ना, उसमें आपको हमारे टेलीग्राम से लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां भी ना मिले तो सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च मार लेना @RVD चैंपियन, आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम से लिंक देखने को मिल जाएगा, वहीं पे ज्वाइन कर लेना, वहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको सबसे पहले शेयर कर दूंगा, जिस भी टीम से मैं खुद इस मैच के अंदर पैसे लगा रहूंगा, यानी कि जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर को सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। बात कर अपने फैंटेसी बची हुई टीम के बारे में, देखो एच कनागराज जो कि हर मैच में बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा कर रहा है और बल्लेबाजी में भी आपको 5वें नंबर पे नजर आ जा रहा है, यानी कि सुहील कनागराज एक ऐसा प्लेयर जो कि शुरू के मैचेस में एवरेज पॉइंट्स दिला रहा था, लेकिन आखिरी के दोनों मैचेस में इसने 70+ पॉइंट्स दिला करके आया हुआ है, क्योंकि बल्लेबाजी से भी आपको 10-15 रन इजिली बना करके दे दे रहा है और बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा कर रहा है, 1 विकेट भी मिल जा रहा है, तो वहाँ पर आपको 60+ पॉइंट्स दिला करके इजिली जा सकता है। यही रीज़न है कि कनागराज आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर तो है नहीं, के नदरासन से उम्मीदें काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एक भी मैच ऐसा नहीं किया जहाँ पर इसने 30 से भी ज़्यादा पॉइंट्स दिला के किया हुआ है, यही रीज़न है कि इसको लेकर के नहीं चलूँगा। आप चाहो तो अपनी एक मिनी GL की टीम में लेकर के चल सकते हो, बाकी मैं अपनी स्मॉल की टीम में लेकर के नहीं चलूँगा। बॉलिंग ऑप्शन में बात किया तो नंबर 1 चॉइस 30 शिवा कुमार, आखिरी मैच मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया था वीडियो में, आप जा करके देख सकते हो GGI और रूबी रेंजर्स के वीडियो के अंदर मेरे, मैंने बहुत तारीफ किया था जहाँ पर कोई भी नहीं ले रहा था, और देख सकते हो परफॉर्मेंस लेवल 2 ओवर बॉलिंग हर मैच पूरा कर रहे, 2 विकेट भी लेकर के आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इस मैच में 1 ही विकेट के करीब इसको मिलेगा, लेकिन फिर भी एवरेज टाइप पॉइंट्स के लिए मैं लेकर के चल रहा हूँ। अगर GGI की टीम पहले बॉलिंग करी होगी तब तो अच्छा बॉलर बन सकता है, लेकिन अगर सेकेंड बॉलिंग करी होगी तो मुझे लगता है 1 ही विकेट मिलने वाला है। फैजल शाह को जरूर लूंगा, जिसको आखिरी मैच हमने अपने कुबेरा के दियो पिक में लिया होता, इसने भी काफ़ी अच्छी विनिंग कराया हुआ है, आखिरी मैच में बल्लेबाजी में भी 3rd पे आ गया, प्लस बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा किया हुआ है, 1 ओवर आखिरी के उसमें बॉलिंग करेगा, 1 ओवर शुरू के उसमें बॉलिंग करेगा, जरूरी प्लेयर रहेगा। उसके बाद इमरान मोहम्मद, पहले मैच में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, शुरुआती 3 मैचेस में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके दिया, लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे 1 ओवर ही बॉलिंग मिल रहा है, अगर इसको 2 ओवर बॉलिंग पूरा मिले तो एक जरूरी प्लेयर बन जाएगा, तो लेकर के जरूर चलना है, लेकिन आखिरी के मैचेस में इसको 1 ओवर बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है। अब बल्लेबाजी में भी काफ़ी नीचे आ रहे, 10वें नंबर करीब, यही रीज़न है कि मैं आपको कहूँगा अपनी मिनी GL और मेगा GL की टीम में, यानी कि ग्रैंड लीग की टीम से 3 से 4 मिनी GL की टीम से मिस कर लेना और अपनी स्मॉल लीग टीम में लेकर के चल सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग की टीम से रोटेशन में इसको मिस करके चल सकते हो। बिलाल खान को लेकर के जरूर चलूंगा, इंटरनेशनल लेवल के बाद काफ़ी बड़े लेवल का प्लेयर है, आखिरी के दोनों मैचेस में फ्लॉप गया, लेकिन 2 ओवर बॉलिंग हर मैच से पूरा करा है, पहले मैच से 2 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट भी मिले हुए थे, तो जरूरी प्लेयर है, AMR की टीम के जीतने के भी चांसेस है। उसके बाद एम पटेल, आखिरी मैच फ्लॉप हुआ है, ये आपके लिए इस मैच के लिए मिनी GL और मेगा GL के लिए एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन सकता है, इसको आप अपने मिनिमम 3 से 4 मेगा GL मिनी GL की टीम में लेकर के चल सकते हो। मैं आपको कहूंगा इमरान मोहम्मद को निकाल करके एम पटेल को लेकर के चल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इमरान मोहम्मद 1 ही ओवर बॉलिंग करेगा तो फिर मैं इसको लेकर के नहीं चलूंगा। अब इसके बाद यहाँ से कोई भी इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, आपको ये दोनों प्लेयर्स को NKSI को आखिरी मैच से 1 भी ओवर बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, बल्लेबाजी से 22 रन बनाया, उससे पहले 1 ओवर बॉलिंग करने का मौका, बल्लेबाजी से फ्लॉप जा रहा है, बल्लेबाजी में 6-7 नंबर करीब आ रहा है, तो बल्लेबाजी से आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है, यानी कि दोनों में से आपको मैक्सिमम किसी 1 ही प्लेयर को लेकर के चलना है जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो।
बात कर लेते हैं अपने केवीसी के बारे में, जो कि एक स्मॉल लीग टीम के लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले देखो, ये एक हमारी जो टीम है इनिशियल टीम है, जो कि टॉस होने से पहले की टीम है। टॉस होने का लाइनअप आने के बाद जो भी हमारी खुद की फाइनल टीम होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम सर को फ्री में देखने को मिलेगी। तो ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलना, हमारे टेलीग्राम सर को ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। टेलीग्राम सर का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। ना मिले आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स है, तो सीधे सीधे आप कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यानी कि टेलीग्राम सर को ज्वाइन करना आपके लिए जितना ही आसान हो उतना ही जरूरी भी है और फ्री भी है, तो फ्री की चीज को मिस मत करना। अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर 11 चैलेंजर्स और स्पोटेसी ऐप के ऊपर इस तरीके की टीम बनाई हुई है, जहां पे मैंने अपनी टीम रफीउल्लाह को ऐसा कैप लेकर के चला हूं और ऐसा वीसी एसएस कनागरास को लेकर के चला हुआ। इसमें एक दो चेंजेस हो सकते हैं जो कि टेलीग्राम सर को आपको मिल जाएगा। उससे पहले देखो, आखिरी के महीनों से मैं जो 6-7 महीनों से और पूरा पैसा जो 11 चैलेंजर्स और स्पोटेसी ऐप पर लगा रहा हूं। रीजन क्या है, फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन आपको सबसे ज्यादा लो एंट्री फीस 11 चैलेंजर्स और स्पोटेसी आपको पर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे कहने पर बस अपने 1000 रुपये लगा करके देखो, बिना हारी आपके 100 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रुपए। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो बिना हारी आपके 1,000 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रुपए। उसके भी ऊपर से आपको 4-15% भी जो बोनस के भी पैसों को यूज करने मिलेगा। 11 चैलेंजर्स और स्पोटेसी दोनों ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो अभी कभी वहां से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। इस मैच के अंदर मैं भी अपने पूरे पैसे जो 11 चैलेंजर्स और स्पोटेसी पे लगाने लो। सबसे बड़ी बात यहाँ की यूट्यूबर्स को मैं टारगेट करने लो, जिससे कि हमारी टीम के 11 चैलेंजर्स और स्पोटेसी पे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू दूसरे फैंटेसी एप्लीकेशंस के हिसाब से। 11 चैलेंजर्स और स्पोटेसी दोनों ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो अभी कभी वहां से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।